हेलो बच्चों प्रश्न है साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि देश के जवानों को कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चा कि आप देखते हैं पाठ को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जो सैनिक होते हैं वो कितनी मतलब आप देख रहे होंगे कि उनको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं पहली चीज तो इतनी ज्यादा ठंड होती है ना फिर रास्ता इतना खराब होता है उसी चीज को आप अपनी भाषा में पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं जैसे साना साना हाथ जोड़ी वृतांत समस्याओं का वर्णन किया गया है जो यहाँ फौजियों को झेलनी पड़ती हैं वहां के फौजी कड़ी से कड़ी सर्दी में भी सीमा पर रहकर रक्षा करने के लिए तैनात रहते हैं ऐसे ठंड जिसे झेलना अत्यधिक मुश्किल हो जाता है वह असहनीय भी ऐसी ठंड जिसमें सब कुछ बर्फ की तरह जम जाता है कई बार तो इन फौजियों के सामने ऐसे समय भी आता है कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता लेकिन वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते और पूरी ईमानदारी के साथ देश की रक्षा करते हैं और तीसरा इन सभी समस्याओं के बावजूद हमारे फौजी जवानों की रक्षा करते हैं इसलिए इसलिए उनके प्रति भारतीय युवाओं का उत्तरदायित्व बनता है कि वे सभी फौजियों के परिजनों का सम्मान करें व उनके साथ आत्मीय आत्मीय संबंध बनाकर रखें। ठीक है हमारा ये कर्तव्य भी बनता है कि हम क्या करें कि उनके वो अगर हमारे हिफाजत में वहां पर है तो उनके परिवारों परिवार वालों की हिफाजत हम यहाँ पर करें उनके लिए थोड़ी सी क्या रखें इज्जत भी रखें और साथ साथ में उनकी मदद भी करें